आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। महू के किशनगंज थाना क्षेत्र में रॉयल रेसिडेंसी कॉलोनी के समीप बाइक गाड़ी फिसलने से युवक डिवाइडर से टकराने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया और दो युवतियों को मामूली चोटें आईं। जानकारी के अनुसार किशनगंज थाना क्षेत्र के रॉयल रेसिडेंसी कॉलोनी के पास गाड़ी फिसलने से हादसे में जितेंद्र चौकसे की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद दो युवतियां घायल हुई। सभी युवक युवती इंडोरामा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये सभी अपने अपने घर से कॉलेज जाने का बोलकर निकले थे, लेकिन सभी जाम गेट घूमने गए। तीनों घायलों को डायल 108 की मदद से महू के मध्य भारत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान जितेंद्र चौकसी की मौत हो गई और दो घायल युवतियों का इलाज जारी है। ये सभी नाबालिग हैं। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए महू से विशेष संवाददाता जीवन ठाकुर। 108 महू, हमारे पास 108 से फोन आया कि वहाँ रॉयल रेजिडेंसी के पास एक्सीडेंट हो गया है, तो हमने ठीक है गाड़ी आ रही है, आप धैर्य बना के रखें। हम लोग जैसे ही वहाँ पर सीन पर पहुँचे तो पेशेंट थोड़ी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, तो हमने पेशेंट को वहाँ से उठाया और गाड़ी में लिया। गाड़ी में लेने के बाद उसको हम मध्य भारत हॉस्पिटल लेके आए, तो मध्य भारत हॉस्पिटल में आते आते पेशेंट की डेथ हो गई। वहाँ पर दो लोग घायल थे, चार लड़की थी, दो लड़के थे, उसमें से एक लड़का एक लड़की घायल हो गई थी। एक लड़के की डेथ हो गई उसमें से। जितेंद्र, मेरा नाम EMT कृष्ण कुमार, 108 हो।